देखो पतंग पार करने नहीं दे रहे हैं, पहले ही लड़ाने आ जा रहे हैं। खींची अंदर की दिखाई मैंने हल्के से, और बहुत प्यार से ये वाली पतंग मैंने काट दी है। अब मैं काफ़ी लंबी अपनी पतंग, जल्दी से छोटी करता हूँ वरना सद्दी काट देगा ये मेरी। मंजा आ गया अंदर की खींची फिर से, और अब क्या अभी काट दिया ये वाली पतंग। देखो जबरदस्ती घुसा रहा है और ले गया, जानबूझ के ये पतंग काटी है इस बंदे ने मेरी, देखो सद्दी से। तो ये देखिए दोस्तों, ये रही कुछ पतंगे, आज की वीडियो में ये वाली पतंग उड़ाएंगे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइडर ऑफिशियल। तो भाई देखो पतंगे तंगे हम ले आए, ये सारी पतंगे रही, देखो अद्धी पतंगे आज मैं लेकर आऊँ। ये जो आपको दिख रही होगी ना मुड्डेदार और ये पटेदार, ये अद्धी रही। और यहाँ पे देखिए कुछ मंजोली पतंगे भी रही हैं, और मंजोली पतंगे ये रही। और इसके नीचे कौन सी पतंग है, ये हमने कल या परसों में लूटी थी, आपको वीडियो देखने को मिल गई होगी। तो ये कुछ पतंगे रही सामने, देखो पतंगे तंगे उड़ रही हैं, तो अभी उन्हीं से हम पेड़ आते हैं। और मांझा देखो ये खत्म होने वाला, नया मांझा मैंने एक और लगवा लिया 8400 में। तो जैसे ही वो मांझा आता है 8400 का, वो रेड कलर का मैंने लगवाया, तो उसकी भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, उससे काइट फाइटिंग करेंगे फिर आगे। चलो फिर सबसे पहले ये वाली पतंग उड़ाते हैं और फिर आपको पेड़ आके दिखाते हैं। अब जो आपको पतंग दिखाई थी ना मुड्डेदार वाली, तो सबसे पहले वही वाली पतंग हम उड़ाएंगे आज। और ये देखो ये हमारी पतंग पार हो रही है। और बताऊँ आज क्या हो रहा है ना, आज आगे पतंगें नहीं उड़ रही मेरी, एकदम सर के ऊपर पतंगें उड़ रही हैं। और वो लोग यार पता नहीं बीच में ही घुसा दे रहे हैं, अभी एक दो बंदों की यहाँ पे पतंगें भी काट ली मेरे आजू बाजू सद्दी से। उनकी काफ़ी लंबी पतंगें खड़ी थी और उनकी सद्दी से ही उन बंदों ने पतंग काट ली। तो मैं भी देखता हूँ यार कहीं मेरी भी सद्दी से ना काट दें ये लोग। और आज की वीडियो का वो टाइटल आपने देख ही लिया, हत्ता मारने वालों से कैसे बचें या इनकी पतंग कैसे काटें। तो देख सकते हैं हमारी पतंग पार हो गई। और देखो यहाँ पर ही एक पेड़ लड़ गया, मैं आपको दिखाऊं, ये देखो ऊपर। तो ये जो बंदे दिख रहे हैं ना आपको इधर, पतंग वो काफ़ी लंबी खड़ी है, ये देखो ये आया बंदा, अभी मेरी पतंग पार भी नहीं होने दे रहा, पहले घुसाई जा रहा है। तो आज काफ़ी परेशानी होगी यार लड़ाने में लगता है, पहले इसकी काटो, रुक रुक रुक, लो उसकी टूट गई। तो चलो देखते हैं क्या होता है, अगर ज़्यादा लंबी कर ली तो सद्दी से काट देंगे ये लोग। तो हाथ में मंजा ही रखेंगे, ज़्यादा लंबी पतंग अपनी नहीं करेंगे, दिखाते हैं आपको। अब देखो मुड्डेदार वाली मेरी रही, मैंने हाथ में भी मंजा ही चला रखा, ऊपर से एक बंदा लड़ाने आ गया। देखो पहले इसी की काटते वरना ही हमारी काट देगा, ये देखो आया। खेची बाहर गया, अंदर की दिखाई है, और बहुत प्यार से ये वाला पेच काट दिया। अब देखो पतंग पार नहीं करने दे रहे हैं, पहले लड़ाने आ जा रहे हैं। तो ये इसकी तो हमने काट दी है, अब थोड़ी सी लंबी करते हैं अपनी पतंग, फिर आगे लड़ा के आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे मेरी पतंग वो रही, पीछे से पतंगें तंगे कट के जा रही है। देखो एक चांतर वाली पतंग ये कट के जा रही है, और काटी किसने थी ऊपर जो आपको चप पतंग दिख रही होगी, लपेटे नहीं नहीं रहन देते हैं यार, क्योंकि ऊपर काफ़ी पतंगे हैं, ये बंदा मेरी काट देगा। तो अब यार ये बंदा देखो फिर से घुसाने लगा है, जल्दी से मंजा ले आता हूँ अपना वरना ये मेरी सद्दी काट देगा। उसकी पतंग देखो कितनी छोटी है, चलो मैंने मंजा अच्छा खासा बांध रखा है। तो पहले इसी बंदे से उड़ाते हैं, नीचे से हम रहे, ऊपर से अपोनेंट आ रखा है, बाहर की खींची अंदर की फिर से मैंने हल्की सी पतंग रगड़ दी, और ये वाला पेज भी देखो काट दिया है। और मैं आपको दिखाऊं मंजा कहाँ चला रखा था मैंने, तो ये देखो ये आपको गार्ड दिख रही है ना आगे, अभी दिखाता हूँ, ये देखो यहीं पर ही मेरे मंजा था, अगर यहाँ पर सद्दी होती ना पक्का सद्दी से ही बंदा मेरी पतंग काट देता। तो ये वाला पेज भी काट दिया है। यहाँ पे आप देखोगे भाई किस बंदे ने अपनी पतंग पार करी है, वही गिलहरा वाले ने जो आजकल हमारी बहुत पतंगें काट रहा है। फिलहाल मेरी पतंग तो काट दी यार, फिर से काट दी, सद्दी से काट दी, मैंने कैमरा ऑन भी नहीं करा, आए और समेट के ले गए मेरी पतंग। मेरी पतंग कट चुकी है, सामने एक पेज लड़ रहा है, इसे मैं कवर कर रहा हूँ, ऊपर से गिलहरा वाला, नीचे से ब्लैक कलर की पतंग है। और आपको पता है कौन सी कटेगी, कमेंट कर दो अभी, कमेंट कर दो भाई कौन सी कटेगी, ब्लैक वाली कटेगी पता ही है, उसका गद्दा देखना आप। अभी लो ले गया, बाहर के निकाल के ले गया भाई, इतनी तेज़ ये बंदा खींचता है, मेरी भी खींच फेल है इसके आगे, इतनी तेज़ खींचता है ये। तो पतंग कट चुकी है, सेकंड पतंग चप वाली पार कर रहे हैं, आगे पन्नी अन्नी की पतंग आपको दिख रही होगी, देख सकते हैं आगे ऊपर कौन खड़ा है, वही लाल वाला बंदा है गिलहरा वाला, उसकी अभी पतंग दिखाता हूँ, जहाँ तक उसी से पेड़ लड़ाऊँगा। और रिजल्ट क्या रहेगा, 70% मैं काट सकता हूँ, 70% वो मेरी काटेगा। तो पार करते हैं, दिखाते हैं, यहाँ पे देखो पतंग मैंने पार कर ली है, जो पतंग आपको रेड सर्कल के अंदर दिख रही होगी मेरी रही, ऊपर से हमारा अपोनेंट आ रखा है ब्लू सर्कल के अंदर, आपको दिखा दे रहा हूँ, नीचे का पेज हम लेंगे, आगे से उड़ा रहा है वो बंदा और हमें नीचे का पेज लेने को कह रहा है, फिर बचा ली उसने। देखो जब आप ऐसी पतंग लड़ाना आगे को थोड़ी पतंग निकाल के लड़ाया करें ताकि आपके कन्ने ना फंसे। चला नीचे से गया, खींच दी अंदर की, खींच दी, देखो अंदर की खींचते हुए ले गया मैं, उसको कुछ मौका ही नहीं मिला, ये वाला पतंग काट दिया,
अब आपको ऊपर दिखाता हूँ ऊपर क्या सीन है। ऊपर देखेंगे तो वो रेड वाली गिलहरा पतंग है वो हमसे लड़ाने आ रही है यार। नीचे हमारी पतंग रही जो घूम रही है, आपको एकदम डोरा भी दिख रहा होगा। और इधर उधर देखो आजू बाजू पतंगे पतंगे, हमारी पतंग काफ़ी नीचे चले गई। चलो रेड वाली से लड़ाते हैं फिर इस बंदे से, चलो लड़ाते हैं दिखाते हैं पता नहीं क्या होगा, नहीं पता देखते हैं। ऐसा है रेड वाला तो हमसे लड़ाने आया नहीं, एक दूसरा बंदा लड़ाने आ गया। तो देखो रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग रही नीचे से लड़ा रहा हूँ मैं, ऊपर से हमारा अपोनेंट ब्लू सर्कल के अंदर आपको दिख जाएगा। अंदर बाहर थोड़ा कंफ्यूज करो उसे मुंडा, मैं बता नहीं रहा हूँ कौन सा खींचूंगा। बना अरे यार क्या खींच दिया मैंने, अगर गिरता हुआ थोड़ा सा मार देता तो पतंग काट देता, लेकिन मैं खुद कंफ्यूज हो गया भाई इतनी जल्दीबाजी में, पता नहीं कौन सा मुंडा खींच गया। आज यार हवा कल से भी तेज़ है, तो सामने हमारी पतंग लड़ रही काफ़ी लंबी। रेड सर्कल के अंदर आपको मेरी पतंग दिख जाएगी ऊपर से लड़ा रहा हूँ, और नीचे से हमारा अपोनेंट आ रखा है ब्लू सर्कल के अंदर। उठा के दी मैंने अंदर का गिरता मारा थपथपाई कट गया, इतनी उठा के उसने पतंग दे दी थी, चाहे मैं बाहर खींच देता तो भी काट देता। अंदर की मैंने हल्का सा झोल पर रखा, दो थपकी मारी और दो थपकी में उसकी पतंग कट गई। तो पहला पेज काट दिया आज का भी, और दिखाते हैं एक और पेज आ गया। रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग रही ऊपर से, नीचे से हमारा अपोनेंट आ रखा है ब्लू सर्कल के अंदर, और ये बंदा काफ़ी नीचे से उड़ा रहा है यार, इसकी पतंग का झोल ही नहीं मिल रहा मुझे। अभी आप देखना ये बंदा बहुत नीचे है इसकी छत यार, काफ़ी अंदर ले आया है। अंदर का रुक दिया काट दिया, नहीं कटा है फिर मारा गद्दा। देखो उसकी डोर ही नहीं मिल रही मुझे यार, इतना नीचे से उड़ा रहा है। ले गया भाई, बच गई। क्या करा था यार हमारे अपोनेंट ने मुझे नहीं पता, लेकिन पतंग हमने काट दी है। एक पेज ये लड़ता हुआ देखो मेरे सर के ऊपर, हमारी पतंग काफ़ी नीचे कर ली मैंने वरना मेरी कट जाती। चांतर वाली जो पतंग दिख रही होगी वो नीचे से, ब्लैक वाली पतंग ऊपर से है। जिन लोग को वीडियो नहीं बनानी होती है वो कितना सुकून से पेड़ उड़ाते हैं, देखो आराम से टाइम लेके पेड़ उड़ाते हैं। हम सोचते हैं जल्दी से वीडियो बने, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, तो जल्दीबाजी में पेड़ उड़ा के पतंगियाँ तो काट देते हैं या कटवा देते हैं। और ये लोग यार असली मज़ा ले रहे हैं पतंगबाजी का, आराम से मुड्डा चेंज करो ये करो। पेज अभी तक हुआ नहीं था, अंदर का गिरता मारा उसने, नीचे वाले ने अंदर की घेस दी, काट दिया ऊपर वाले को। आज यार मैंने काफ़ी पेज कवर कर लिए, नीचे से भी आपको दो तीन पेज लड़ा के दिखा दिए, ऊपर से भी लड़ा के दिखा दिए। एक और पेज ऊपर का लड़ता हुआ, रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग नहीं ऊपर से लड़ा रहा हूँ, नीचे से हमारा अपोनेंट आ रखा है ब्लू सर्कल के अंदर। और मंजा मैंने काफ़ी बांध रखा है, कोई टेंशन नहीं है, कितना भी अंदर बंदा भड़क के आ जाए, बस इतना भी अंदर मत आने देना कि वो आपका झोली काट जाए। कभी कभार लोग सोचते हैं मंजा बहुत है, आने देते हैं और एंड टाइम में आपका अपोनेंट आपके झोल तक पहुँच जाता है, फिर वहाँ मांझा कुछ काम नहीं करता है, तो झोल टाइट रखना। अब यहाँ पे देखो मैंने मांझा काफ़ी बांधा था, लेकिन हमारा अपोनेंट हमारी झोल की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखो मैंने पतंग बचाई, डोर टाइट करी अंदर का रुक, फिर टाइट करी खींचा बाहर का और ले गया। शुरुआत मैंने पहले से ही कर दी थी खींचने की, इसलिए मेरी डोर टाइट ही रही और उसने खींचा, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये वाला पेज भी काट दिया। एक और पेज यहाँ पे लड़ता हुआ, रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग नहीं ऊपर चढ़ा रहा हूँ, नीचे से हमारा अपोनेंट आ रखा है ब्लू सर्कल के अंदर, आपको उसकी पतंग दिख जाएगी। आ गई है काफ़ी उसकी पतंग, तो चलो पहले इसी की काटते। अब यहाँ पे आप देखेंगे दो पतंगें दिख रही ना बराबर में, पहले तो आगे वाली की पतंग काटते हैं, ये काटी। अब देखो जो ये दो पतंगें मेरी बराबर में, इन लोगों ने मेरी जानबूझ के सद्दी से पतंग काटी है। देखो अभी आप देखना ये पेज ऐसा लड़ा रहे हैं कि मेरी पतंग 100% कटेगी। देखो ले गया यहाँ ये रोक सकता था ऊपर वाला, लेकिन नहीं, उसने मेरी जानबूझ के सद्दी से पतंग काट दी। यहाँ पे आप स्लो मोशन में देखोगे ना तो मेरी पतंग एकदम किनारे है, ये चांतार और ऊपर से ब्लैक वाली का पेज लड़ रहा है। देखो ब्लैक वाली ने खींचा बाहर का, चांतार कट गई है, कट गई यहाँ पे, बंदा रोक सकता था लेकिन इसने नहीं रोकी, मेरी पतंग ये साथ में ले गया और यहाँ पे मेरी सद्दी से काट दी। तो भाई मैं इसके लिए यही कहना चाहूँगा कि आज हवा का रुख मेरी तरफ का था तो तूने मेरी सद्दी से काट ली, लेकिन जिस दिन भी हवा का रुख बदला ना उस दिन कयामत आ जाएगी। अब ये क्या, मैंने तो डायलॉग बोल दिया, चलो हटाओ यार। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आपने देखा कितने लोग ना आपके हाथों से पतंग काटना चाहते हैं। तो इसके दो ही सॉल्यूशन आप कह सकते हैं कि या तो आप मांझा ज़्यादा बांधो या फिर पतंग छोटी लड़ाओ, अगर कोई पीछे से पतंग पार होती तो अपनी पतंग छोटी कर लो ताकि वही सद्दी से ना काटे। और तीसरा एक और है कि वेट करो, जिस दिन हवा का रुख उनकी छत की तरफ का होगा ना तो उनकी आप सद्दी से काट जाओ, उनको भी तो पता चले सद्दी से काटने में कैसा लगता है।
तो यही कर सकते हो आप। तो पतंगबाजी अभी भी हो रही है लेकिन वीडियो हम यहीं पर ही एंड करते हैं। तो मिलते हैं फिर भी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। लाइक तो कर दो भाई, लाइक कर दो यार वीडियो को।